हेलो गाइस, आज हम फिर से लौटे हैं एक नए ब्लॉग के साथ और मैं हूं अनवर्सन, आपका फेवरेट ब्लॉगर। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो आज हम यहां पर आए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी, जो ओखला में है, और आप देख सकते हैं यहां पे का व्यू कितना ज्यादा शानदार है। सामने बड़ी सी झील है और पीछे जहाँ तक आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पीछे पेड़ है और आने जाने का रास्ता है। इस जगह की खासियत ये है कि जब भी यहाँ पे ठंड का मौसम आता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सा एक व्यू उस टाइम देता है। तो अभी भी हम आपको दिखाएंगे, जैसे कुछ पक्षियों की आवाज आपको सुनने में आ रही होगी, वो हमारे पीछे है, कुछ पेड़ पे है। फिलहाल इस मौसम में वो चले जाते हैं, तो अभी और चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। हम लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर बहुत धूप थी, बहुत ही गर्मी थी। यहाँ पे आने के बाद मौसम काफ़ी ठंडा है, गर्मी नहीं लग रही है, और बर्ड सेंचुरी में आने का नज़ारा ही अलग है। बर्ड की आवाज़ आ रही है धीमी धीमी। हाँ, आपको ये हर कुछ समय पे जाते जाते दिखेगी। देखिए कितने आसानी से लोग यहाँ पे जा रहे हैं इस कैडी के बदौलत। तो अगर आइएगा, अगर आप थके हुए हैं तो इसका बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। ये वो रास्ता है, ये नीचे जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसके थ्रू आप ये जो सीन है, जो लेक का सीन है, वो आसानी से आप देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में पेड़ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये सीन और कितना खूबसूरत है। लोग इसी बातें करते हैं हमेशा, मैंने मेरे भी दोस्त बोले कि जब भी जाना कोशिश करना कि थोड़ा सा रिवर के साइड या फिर लेक के साइड बैठने का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, क्योंकि वो जो व्यू है ना बहुत ज़्यादा आरामदायक होती है और एकदम ऐसा फील होता है आप जैसे खो गए उस सीन में। तो आइए देखते हैं क्या ये बात सही है या नहीं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर जब मुझे ट्राइपॉड के साथ अंदर आता हुआ देखा, तो मुझे गार्ड होते हैं ना जो आपको टिकट देते हैं, वैसे यहाँ पे कि 30 रुपए के टिकट है, उतनी महंगी नहीं है। तो वो मेरा ड्राइवर देख के पूछे कि क्या तुम फोटोग्राफी करने आए हो, क्या तुम्हारे पास DSLR है। और मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि DSLR है, अगर आप फोटोग्राफी करने आए हो तो वो 500 रुपया चार्ज करते हैं एक DSLR। यानी कि आपको अगर फोटोशूट के लिए आनी है, तो वो बेस्ट सीज़न भी मैं बताऊँ तो नवंबर से जनवरी के बीच में आइए, तो यहाँ पे आपको अच्छी फोटोज मिल सकती हैं चाहिए कि बहुत ज़्यादा होते हैं। पर अगली बार से आना तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास DSLR है, अगर आप फोटो खींचना चाह रहे हो, तो 500 रुपये आपके पास होने चाहिए। मतलब तकलीफ नहीं होती। फिलहाल जैसे हमने ये सीन देखा, सोचा यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सीन को लिया जाए, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जैसे ही उन्होंने मुझे ट्राइपॉड खोलते हुए देखा, वैसे ही वो लोग चले गए। तो यहाँ पे अगर आपको कोई जगह चाहिए बैठने की, तो सबसे सही है कि कैमरा निकाल के शूटिंग करना शुरू कर दो, उन्हें ऐसा लगा उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो फिर वो चले जाए। तो आप बस व्यू को इंजॉय करो। चलते हैं अब यहाँ के एक यहाँ पे कैफ़े है इसके अंदर, तो वहाँ पर चाय सुनने में आता है बहुत अच्छी मिलती है, तो चलिए उस चाय को हम अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसी है। वो रही इसकी एंट्री, और जैसे आप एंट्री करोगे आपको एकदम राइट साइड में ये नेचर वर्ल्ड करके एक कैफ़े मिलेगी, और यहाँ पर आप चाय, बर्गर, पास्ता, मैगी वगैरह, तो आइए ऑर्डर करते हैं इस चाय को। बर्ड सेंचुरी का सफर यहाँ पे समाप्त हुआ और हम लोग बाहर आ चुके हैं। एक कह सकते हो आप, आपको अगर मजे करने हैं, दो ढाई घंटा कहीं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करना है, तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप आ सकते हो। बहुत शांत माहौल है और यहाँ पे कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होगा, काफ़ी साफ सुथरा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो अभी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और हमें भी।